हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. द टॉपिक इज़ नथिंग बट योर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड द इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वी गोइंग टू सी द सम इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द आर मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो ज़रा ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है हमारा चैप्टर नंबर 3. एंड दिस चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड द इंडस्ट्री इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. जब बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं. एंड इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन जहाँ पे एक इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है. बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, अगर उसके बाद बियॉन्ड दैट पॉइंट अगर वो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं या प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, देन दे विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज दे विल गोइंग टू सफर फ्रॉम द लॉस आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम. यहाँ जरा ध्यान देना, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म. इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड द इंडस्ट्री, यू नो व्हाट डू मीन बाय द फर्म? फर्म इज नथिंग बट द इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी. एंड इंडस्ट्री इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस फर्म्स ऑफ द सेम सेक्टर ऑफ द सिमिलर प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज विच दे आर परफॉर्मिंग. अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री की, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में सिम कार्ड बेचने वाली कितनी कंपनीज हैं? एयरटेल है, वोडाफोन है, वोडाफोन इंडिया, देन जियो, MTNL, VSNL. सो दे आर नथिंग बट द सेल्फ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज. एंड टुगेदर इफ यू गोइंग टू सी, अगर ये सब एक साथ में आ जाती तो ये बन जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री इज अ कॉन्सेप्ट विच वी आर यूजिंग फॉर ऑल द फर्म्स हु आर प्रोड्यूसिंग, हु आर परफॉर्मिंग द सिमिलर एक्टिविटी, who are producing the similar goods and services. So basically, under the perfect competition, if you're going to see, there are the certain assumptions. Before starting with this particular topic, इसके कुछ assumptions है class, जो हमको क्या करने हैं यहाँ पे cover करने हैं. तो जरा ध्यान देना. The equilibrium of a firm, a firm is a business unit which transforms the factor input into the value-added goods. You are aware of that. Factor input is nothing but what? एक input को cover करना है, एक input को हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है. किस में? आउटपुट में. आउटपुट इज नथिंग बट वॉट एग्जैक्टली इज योर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इट्स इज बेसिक प्रोड्यूसिंग और इट्स सप्लाइंग यूनिट. द लीगल फॉर्म्स ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज इज बीइंग परफॉर्म बाय द आइदर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है और जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी हो सकती है. जो मार्केट, जिस मार्केट में हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन है, वो सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है. देन अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट अ पॉइंट वेयर MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC इज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट और MC इज कटिंग फ्रॉम द बिलो. ये सिचुएशंस ऑलरेडी हमने किया हुआ है. अगर आपको जरा हल्का सा भी थोड़ा भी याद होगा आपको, इफ यू कैन रिमेंबर, हमने क्या किया हुआ है, ये चीज़ें कवर की हैं, हमने ये सब चीज़ें कवर की हैं. आई हैव टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, दिस इज योर MR कर्व, AR कर्व और यू कैन से द प्राइस. नाउ MR कर्व, AR कर्व और यू कैन से द प्राइस, दिस इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल गोइंग टू कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये वो क्या क्या, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया. अब ये पॉइंट के अगर बियॉन्ड अगर तुम अपने आउटपुट का प्रोडक्शन करते हो, Q1 या Q2 प्रोड्यूस करते हो, तो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा? लॉस होगा. ये पर्टिकुलर पॉइंट के अगर पहले प्रोडक्शन करते हो तो तुम्हें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. कहाँ पे? जब तक तुम्हारा MC इज इक्वल्स टू MR नहीं हो जाता और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करना चाहिए क्या? MC कर्व. दिस इज अ बेसिक इक्वेशन. We analyze the equilibrium, we are doing the analysis of a equilibrium of a firm with the help of the following assumptions. Now economics पढ़ रहे हैं हम लोग. economics की एक खासियत है, हर जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें assume करनी पड़ती हैं. We have to do the certain assumptions for the economics. And over here, these assumptions we're going to consider, we're going to see what exactly is this. So all of you pay attention. Now the first assumption,
द फर्म इज अ रैशनल, इट ट्राइज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. फर्म क्या है, एक रैशनल पर्सन है. रैशनल पर्सन मीन्स ही इज अ नॉर्मल पर्सन क्लास. एक नॉर्मल कंज्यूमर का मेंटेलिटी क्या होता है, एक परसेप्शन क्या होता है एज अ कंज्यूमर. अगर जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेस करना है बाय पेइंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी. कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, अपने आउटपुट परचेस करने, हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने मार्केट में. दैट इज़ द कंज्यूमर्स, रैशनल कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, रैशनल कंज्यूमर्स अजम्पशन. और इसे प्रोड्यूसर का क्या होता है, कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज क्या करना है, हमें सप्लाई करना और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. दैट इज़ नथिंग बट वॉट एग्जैक्टली द रैशनल कंज्यूमर और रैशनल फर्म. द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इट मस्ट बी देयर इन द प्रोडक्ट मार्केट. दो मार्केट होते हैं, एक तुम्हारे होते हैं रॉ मटेरियल मार्केट और फैक्टर मार्केट, और एक होता है तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट. तो फैक्टर मार्केट और एक होता है तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट. फैक्टर मार्केट इज नथिंग बट द मार्केट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका बेस्ट एग्जांपल तुम लेबर मार्केट ले सकते हो. बहुत सारे लेबर्स तुम्हें मिलेंगे नियर बाय द स्टेशन. और आई एम टॉकिंग अबाउट द अनस्किल्ड लेबर. जब बात आती है अनस्किल्ड लेबर की क्लास, तो बहुत सारे ऐसे लेबर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनका एक मार्केट लगता है. इफ़ यू गोइंग टू सी देर आर द मैनी प्लेसेज वेयर यू गोइंग टू फाइंड, बहुत जगह पे ऐसा होता है इंक्लूडिंग अ नियर बाय अंधेरी रेलवे स्टेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं उनका एक मार्केट लगता है. और वहाँ से अगर इफ़ यू वॉन्टेड टू एम्प्लॉय और इफ़ यू वॉन्ट सम लेबर्स, वहाँ पे तुम्हें जाना है किस एक्टिविटीज़ के लिए कौन से लेबर्स की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मार्केट में से लेबर्स को उठा लेना है. तो जो सबसे सस्ते में काम करेगा उसे क्या करना है, सबसे सस्ते में सस्ता वेजेस लेगा तो उसे क्या करना है, हमको एम्प्लॉय करना है. तो वो लेबर मार्केट से तुम्हें मिलेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट योर फैक्टर मार्केट एग्जैक्टली. सिमिलरली रॉ मटेरियल मार्केट होता है एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स. एंड प्रोडक्ट मार्केट इज़ नथिंग बट योर फाइनल आउटपुट मार्केट, जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, अपने गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करने वाले हो. तो बेस्ट एग्जांपल तुम ले सकते हो यहाँ पे, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इट मस्ट बी देयर इन द फैक्टर मार्केट आल्सो. जैसा मैंने बताया दो मार्केट होते हैं, एक होता है फैक्टर मार्केट और एक होता है तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट. प्रोडक्ट मार्केट इज रिलेटेड टू द आउटपुट विच वी आर प्रोड्यूसिंग एंड विच वी आर सप्लाइंग इन टू द मार्केट. और फैक्टर मार्केट जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक क्या होता है, मार्केट होता है. और वो मार्केट में भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए. बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेल यू अबाउट दी लेबर्स जो बेगारी का काम करते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं जो या तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेंगे या तो पेंटिंग करेंगे और दे आर गोइंग टू परफॉर्म सम अनस्किल्ड वर्क. सो उनके केसेस में क्या होता है, वहाँ पे तुमको परफेक्ट कंपटीशन देखने मिलेगा. अंधेरी रेलवे स्टेशन, नियर बाय द रेलवे स्टेशन अंधेरी ईस्ट, यू विल गोइंग टू फाइंड वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स होते हैं. मॉर्निंग में जाओगे वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है, एक लेबर मार्केट लगता है. बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं वहाँ पे आके बैठे रहते हैं बेगारी जैसे. और वहाँ से उनको जिसको ज़रूरत होती है वहाँ से उनको उठाता है और वो अपने काम करते हैं. सो लाइक दैट इफ़ आई वॉन्ट सम लेबर्स टू परफॉर्म द सम सर्टन पेंटिंग एक्टिविटीज़ एट माई होम, सो मैं वहाँ से क्या करूँगा, उनको पिकअप करूंगा एंड आई गोइंग टू डिसाइड द वेजेस एंड अकॉर्डिंगली ही विल कम एट माय होम एंड ही विल गोइंग टू परफॉर्म द जॉब. सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज नोन एज योर, दैट काइंड ऑफ मार्केट इज नोन एज योर फैक्टर मार्केट. सिमिलरली कुछ रॉ मटेरियल मार्केट्स भी होते हैं जहाँ पे तुम्हें रॉ मटेरियल अपने गुड्स के लिए परचेस करने हैं. सो वो होते हैं तुम्हारे फैक्टर मार्केट. देन द फर्म ऑपरेट्स अंडर द यू शेप्ड कॉस्ट कर्व. क्लास यू शेप्ड कॉस्ट कर्व का मतलब क्या हुआ, यू शेप्ड कॉस्ट कर्व इट मीन्स द कॉस्ट कर्व इट मस्ट बी यू शेप्ड. यू शेप्ड मीन्स वॉट, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा यू शेप्ड कर्व है. ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था, दिस इज E1 एंड दिस इज E, दिस इज Q जो हमें प्रोडक्शन करना है. यहाँ पे हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट था. बार बार बताया जा रहा है ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम प्रॉफिट का. एंड ये क्या है, दिस कर्व इज नोन एज योर, दिस कर्व इज योर यू शेप्ड कर्व. द फर्म ऑपरेट्स अंडर द यू शेप्ड कर्व विच वी कंप्लीटेड ऑलरेडी. Then price of a product is determined by the aggregate demand and aggregate supply. You are aware of that, large number of a buyer and large number of sellers. दोनों क्या करते हैं, prices decide करते हैं. Individual firm is a price taker. You are aware of that. And when a firm is in equilibrium, it need not necessarily earn the profit. Sometime they'll going to suffer from the losses also. And how they'll going to suffer from the losses, that thing we'll going to consider, we'll going to see. And in order to avoid the losses, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करनी है. ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है
ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। मैक्सिमाइज हो जाता है मतलब उसके आगे अगर प्रोडक्शन करते हो या उसके आगे तुम अपना सेल करते हो मार्केट में, देन यू विल गोइंग टू सफर फ्रॉम द लॉस। हर एक चीज़ का क्या होता है, एक लिमिट होता है, और वो बियॉन्ड अ लिमिट अगर कोई एक्टिविटी तुम परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू सफर फ्रॉम द सेम। सो वो सिचुएशन के लिए, वो टाइमिंग के लिए, वो समय के लिए क्या होता है, वो एक्टिविटीज़ को हमें स्टॉप कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इट इज। देन इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द इक्विलिब्रियम आउटपुट अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ एम सी इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी इज इंक्रीजिंग। इट इनेबल्स द फर्म्स आइदर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस। अकॉर्डिंगली अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम विद द एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और विद द लॉस। कभी कभी एक्सेस प्रॉफिट होता है, कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस होगा। तो ये एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का सिचुएशन क्या है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। नाउ इन ईच एंड एवरी बिजनेसेस there are the three type of things which are taking place, class. There are the three type of things which are taking place. Now pay attention. हर एक business में क्या होता है, तीन type के situations होते हैं। First situation जो हम daily basis पे face करते हैं, daily basis पे perform करते हैं। Second, during the expansion or which is known as a period of a good trade, that situation is known as boom situation, जो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर that is known as what exactly, your depression phase or recession phase, या हमारे life में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। तीन activities perform हो सकते हैं। हर एक business firm में क्या होता है, business firm और एक company में क्या होता है, तीन type के situations होते हैं। पहला जो वो daily basis पे perform कर रहे हैं, second कुछ नया festival आता है, इफ़ समथिंग न्यू इज़ कमिंग, सीजन इज़ कमिंग, फेस्टिवल इज़ कमिंग, देन ऑटोमेटिकली उनके गुड्स एंड सर्विस का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उनके डिमांड क्या होता है, डिमांड इज़ मेंटेन्ड, फेस्टिवल इज़ नॉट देयर और फेस्टिवल इज़ देयर बट स्टिल बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस कंज्यूमर्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं करते। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई एम द पर्सन हु इज़ सेलिंग 1000 यूनिट्स ऑन अ डेली बेसिस। मेरा कितना प्रोडक्शन है, आई एम प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स। नाउ ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड फेस्टिवल मेरा जो प्रोडक्शन है डेली का 1500 हो जाता है, और रिसेशन के टाइम पे आई एम नॉट इवन एबल टू सेल द 1000 यूनिट्स, आई एम ओनली एबल टू सेल द 700। ये तीन सिचुएशंस होते हैं। या तो मैं क्या करूँगा, जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा हूँ, जो अगर डेली बेसिस का मुझे पता है कि 1000 यूनिट्स मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में सेल कर रहा हूँ, जो 1000 यूनिट्स जो मार्केट में मैं सेल कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, वो हो गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। वो क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। हमें पता है हर दिन का 1000 बिकना ही बिकना है, तो जो 1000 बिकने वाला है उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट है, दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट सिचुएशन व्हेन द फेस्टिवल्स विल कम, सम एक्सपांशन होगा, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है जिसके वजह से 1000 यूनिट्स नहीं, हर दिन का 1500 या 2000 यूनिट्स क्या हो रहा है, हमारा सेल हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। फेस्टिवल आया, दिवाली आया, फिर देन क्रिसमस इज देयर एंड देयर आर द वेरियस अदर फेस्टिवल्स विच आर टेकिंग प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दोज फेस्टिवल्स व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, कि मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मेरा आउटपुट ज़्यादा सेल हो रहा है। तो वो सिचुएशन में 1500 या 2000 मैं बेच रहा हूँ। अब 1500 और 2000 यूनिट्स अगर मैं सेल करता हूँ तो वो सिचुएशन हो जाता है मेरा सुपर प्रॉफिट का, और यू कैन से द एक्सेस प्रॉफिट, जो कि सिचुएशन वो क्या है, that you can see that is known as what, excess profit, and this is the excess profit situation, and then sometime I'll going to suffer from the loss because of the certain reason. To ye kya ho gaya, mera loss ho gaya. Kabhi kabhi hota hai ki even I am not able to sell the 1000 units, jo main daily basis pe sell kar raha hu utna bhi khapat nahi ho raha, utna bhi production nahi kar pa raha, utna bhi sell nahi kar raha hu, utna bhi demand nahi hai, to wo ho gaya mera loss ka situation. सो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या तो ज़्यादा लॉस होगा, या तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दैट सिचुएशंस विल गोइंग टू सी। सो राइट नाउ व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, स्टे ट्यून विद अस एंड मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स और प्रीवियस वीडियोज़ देख लो, क्योंकि जो नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, that is nothing but your short term equilibrium of a firm in a perfect competition, जो कि बहुत important chapter है। तो फिलहाल के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब revise करना है, इसको understand करो, perfect competition के characteristics mind में रख लो। Next lecture में हम continue करेंगे 3.2, that is short term equilibrium under the perfect competition. So thank you all, stay blessed.